ਦਾ ਕਹਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈਗਾ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਲਾਤ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਗੜਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਲੰਬੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਜਨਤਾ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਜਨਤਾ ਨੇ ਵੀ ਸੋਚ ਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਸਿੱਧੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ जी हाँ ये मैं ता कह रही हाँ क्योंकि कुछ दिन पहला एक अजिही खबर सामने आई सी कि दिल्ली दे विच पोस्टर लगा के लोगों के वलों पीएम मोदी नू सवाल किए गए कि साड़ी वैक्सीन हैगी आ क्यों विदेशों नू भेजी जा रही है तो उस तो बाद पंजाब की खबर आई सी अमृतसर की कि साड़ी वैक्सीन पीएम मोदी दे वलों क्यों भेजी जा रही हैगी विदेशों नू ते अज जिस खबर की गल करन जा रहे हैं वो खबर भी कुछ ना कुछ इस खबर के नाल मिलती जुलती जिहड़ी नज़र आ रही है क्योंकि अज जिहड़े सवाल सूबा सरकार ते चुके गए ने एक एडवोकेट दे वलों चुके गए ने उन्हां दा कहना हैगा कि सरकारी हस्पताल दे विच अजिहे हालात क्यों बने हुए ने सरकारी हस्पताल दे वेंटीलेटर ICU कदों ठीक होणगे उन्होंने भी कहा कि करोना काल चल रहा है इस समय हर कोई जिहड़ा संभव कोशिश कर रहा है अपने वालों कि जिहड़ी करोना नाल नजिठण दे लई लोकां नूं सहायता दित्ती जावे जनता दी किसी भी तरह जिहड़ी मदद की जावे पर सूबा सरकार क्यों सुती पई है सूबा सरकार दे वालों क्यों जिले दे एक हस्पताल दे विच ही पुख्ता प्रबंध जिहड़े नहीं किए जाते उन्होंने वालों भी रोपड़ दे विच एक जिहड़े पोस्टर लगा के एडवोकेट दिनेश चट्टा दे वालों पुछया गया सूबा सरकार नूं पोस्टर लगा के वह कह रहे ने कैप्टन साहब सरकारी हस्पताल रोपड़ दे वेंटीलेटर ICU कदों चलणगे ये उन्होंने थां थां ते पोस्टर लाए ने वो सोचते नहीं शायद कितने ना कितने एक खबर जिहड़ी कैप्टन साहब तक पहुँचे सूबा सरकार के कन्ना तक पहुँचे ताकि जिले के हालात हैगे जिहड़े सेहत विभाग के वो थोड़े जे सुधर जाण जिहड़े सरकारी हस्पतालों की कंडीशन हैगी है वह भी जिहड़ी सुधर जाए आओ तुसीं भी सुनो की कहना चाहते ने पोस्टर लाने की नौबत इस करके आई क्योंकि जो 10-20 हज़ार की 50 हज़ार की कोई गली भी कांग्रेस वाले बनाते हैं वो उपर बड़े बड़े फोटो वाले अपने नींह पत्थरे लाते हैं पर दूजे पास यार पंजाब दे विच हाहाकार मची हुई है पंजाब का डैथ रेट जिहड़ा वो पूरे भारत नालों वध चल रहा चल इस करके रहा क्योंकि सरकारी हस्पतालों सहूलत नहीं है ICU नहीं चल रहे वेंटीलेटर नहीं चल रहे रोपड़ के हॉस्पिटल खास तौर पर जिहड़ा कि सिविल हॉस्पिटल जिले का सब तो वड्डा एक हॉस्पिटल है नंगल तो रोपड़ तो नूरपुर बेदी तो आनंदपुर साहब तो कीरतपुर तो घाट तो चमकौर साहब तो मरिंडे तो सारे मरीज इत्थे आते हैं पर यह सिर्फ रैफरल हॉस्पिटल बन के रह गया जिहड़े इत्थों दे वेंटीलेटर दानी सज्जणा ने दिते हुए है ICU दानी सज्जणा ने दिते हुए है वो चलाने के लिए भी स्टाफ नहीं है लोग कुरला रहे हैं प्राइवेट हॉस्पिटल के रोज़ का 50-50 हज़ार लख लख रुपया लोगों का खर्चा आ रहा पर जिले के अपने आप नूं राजे समझण वाले महाराजे समझण वाले जिहड़े कांग्रेस के नुमाइंदे है सरकार के नुमाइंदे है वो कदे सार लैण नहीं आए उन्होंने कदे कोशिश नहीं की कि इत्थों दीआं सहूलतां नूं चलदा कर दईए वेंटीलेटर नूं चलवा दईए ICU नूं चलवा दईए पता नहीं बैठ के किहड़ा ड्रामा देख रहे हैं की लगदा जी एक साल तो भी वध समा हो गया सारा सूबा ही नहीं सारा संसार करोना दे नाल पीड़ित दी जिहड़ी लड़ाई लड़ रहा है पर अजिहे समें दे विच एक साल दे विच की ये प्रबंध किए नहीं सी जा सकते जां कोई जिहड़ी स्टाफ की कमी है इन सारिया चीज़ों चलाउण दे लई उहदे उत्ते की लगता तुहानूं कित्थे कमियां रहियां वैसे तो ये जिहड़े प्रबंध है ये करोना तो बिना वैसे ही चाहिए है जिहड़ा जिले का एक हॉस्पिटल वड्डा उहदे विच तां ये प्रबंध अदरवाइज भी चाहिए है पर हुण जिहड़ा एक कोविड का समा है ये तो जे सरकार अज कोशिश करे तो भी दिनों के बंदोबस्त कर सकती है पर सरकार की नीयत नहीं है CM साहब फार्म हाउस तो बाहर नहीं आ रहे सेहत मंत्री अपने कारोबार तो वेल नहीं है जिहड़े जिले के नुमाइंदे है वह अपना अपना जिहड़े निजी फायदे कर लगे हुए हैं उन्होंने माड़ी गल बेशर्मी की गल तो यह है कि सहूलत तो की देनी कोई उपराला नहीं किया कोई एफर्ट नहीं किया हुण तक कोई आगू हस्पतालों के लोगों की मदद लिए बिल्कुल भी नज़र नहीं आया सगों अपने खजाने भरन के लगे हुए हैं बिल्कुल सरकार के सेहत प्रबंधों के उत्ते वड्डे सवाल दिनेश चड्डा ने खड़े किए हैं तो देखना होगा कि की इन सवालों तो बाद हुण मुख्यमंत्री साहब जागते हैं या जिहड़े सेहत प्रबंधों की जरूरत जिला सदर मुकाम के जिहड़े सरकारी हस्पतालों के है वह सहूलत जिहड़ी उत्थे उत्थे जिहड़े प्रबंध आ मुकम्मल किए जाणगे ता जो जिहड़े करोना के काल दौरान जिहड़े मरीज ने लैवल 3 के उत्ते जिहड़े मरीज पहुँच रहे हैं जिन्हां नूं
खज्जल खुआर होना पै रहा दूजे शहरों के इलाज कराने लिए उन्होंने लोगों का इलाज की इतने सरकारी हस्पताल जिला सरकारी हस्पताल संभव हो पाएगा या नहीं यह तो आने वाला समा ही दसेगा पर फिलहाल जिहड़े ये सेहत प्रबंधन को लैके वड्डे सवाल सरकार के उत्ते जरूर खड़े किए जा रहे हैं। सो ये एडवोकेट जिन्होंने सूबा सरकार के उत्ते सवाल चुके ने उन्होंने कहना है कि सानू दसो कदों प्रशासन जिहड़ी कुंभकर्णी नींद उठेगा कदों जिहड़े सरकारी हस्पतालों के हालात ठीक होणगे ये तो आने वाला समा ही दसेगा कि कदों हालात ठीक होंगे ने कदों प्रशासन कुंभकर्णी नींद तो जिहड़ा जागता है। इस तरह दमाम खबरों लिए बन रूपी सी न्यूज़ के नाल मैनू यानी कि रूबी कौशल दो इजाजत धन्यवाद।